बढ़ती महंगाई के खिलाफ जिस तरह से इन दिनों विपक्ष जो है वो चुप है, जिस हर दिन की तरह पेट्रोल और डीजलों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब सेंचुरी के पार कर चुके पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ते हुए देख विपक्ष ने एक बार फिर जोरदार हमला किया है। राजद की तरफ से उप महासचिव श्याम रजक ने कहा कि ये गरीबों की पार्टी नहीं, ये अडानी और अंबानी की पार्टी है, और पेट्रोल की जिस तरह से सेंचुरी के दाम पहुंच चुके हैं, अब डीजल के जो दाम है वो सेंचुरी पहुंचने वाले हैं। सरसों तेलों की बात करें तो डबल सेंचुरी पार कर चुका है। इससे लेकर श्याम रजक ने एक बार फिर बढ़ती महंगाई के खिलाफ उन्होंने जोरदार हमला किया है और प्रधानमंत्री के ऊपर कहा है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजलों के दाम बढ़ रहे हैं ये अडानी और अंबानी का पार्टी है, ना कि गरीबों की है। जिस तरह से गरीबों को इन दिनों सरसों के तेल दाम बढ़ते हुए देख इस पर जोरदार हमला किया है। उप महासचिव जो श्याम रजक हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री को लेकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ, वो ज़रा आप गौर से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पेट्रोल जो है जो अभी बल्लेबाजी कर रहा है उसे पेट्रोल 100 से भी ज़्यादा हो गया, शतक मार दिया। सरसों तेल डबल सेंचुरी मार दिया, डीजल भी है अब सेंचुरी के पास में ही है, तो उनको तो बधाई देना ही चाहिए, क्योंकि वो तो जनता की पार्टी नहीं है, वो तो उन पूंजीपातियों की पार्टी है, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, ये लोगों की पार्टी है। तो ये तो पूंजीपतियों की चौकीदार, पूंजीपतियों के चौकीदार, ये कहते हैं कि हम देश के चौकीदार हैं, देश के चौकीदार नहीं है, जनता के चौकीदार नहीं है, ये उन पूंजीवादियों के चौकीदार हैं। तो ये चौकीदार जो अपनी भूमिका वो सही निभा रहे हैं, ये जनता के लिए थोड़े हैं, जो जिसके लिए वो चौकीदारी कर रहे हैं उसके लिए वो